तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास एक लेंस है, जिस लेंस का सॉरी यार लेंस एरिया ऑफ लाइट ट्रेवलिंग है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल म्यू, मतलब एक लाइट रे म्यू से जा रही फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ मीडियम फ्रॉम एयर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री फॉर विच म्यू द रे अंडरगो टोटल इंटरनल वे, मतलब एक लाइट है, ये जो लाइन है वो इंटरफेस है और इधर अपना एयर है और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन में अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम देखोगे और ये जो लाइट रे है वो एक डेंसरर मीडियम से जा रही है, डेंसरर मीडियम, और ये आ गया रेयरर मीडियम और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये 45 डिग्री पर फॉल कर रही है। तो अगर ये 45 डिग्री पर यहाँ से फॉल कर रही है तो ये जो लाइन है वो नॉर्मल है किसी पॉइंट पर, पॉइंट पी ले लेता हूँ, और यहाँ से ये एंगल, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री पर यहाँ से फॉल की है तो ये लाइट रे फॉर टी आई आर होने के लिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए म्यू की वैल्यू कितना किसके बराबर होना चाहिए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का जो मिनिमम कंडीशन है वो लाइट रे एटलीस्ट इस इंटरफेस से जानी चाहिए, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे, थोड़ा सा और इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे तो लाइट रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अभी ये वाला कंसिडर करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 90 डिग्री होता है तो ये जो एंगल होता है वो थीटा सी क्रिटिकल एंगल होता है। अब मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ, तो स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ टी आई आर होने के लिए जो आई है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल थीटा सी, मतलब साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू साइन थीटा सी। साइन थीटा सी आई होप कि आपको फार्मूला पढ़े होंगे, जबकि डेंसरर से रेयर में जाती है 1/μ के बराबर है, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट इक्वल टू 1/sin i, और यहाँ से जो आई है उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 45 डिग्री है, तो म्यू की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इट इक्वल टू साइन 45। तो साइन 45 म्यू इज इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन रूट टू, म्यू की वैल्यू मस्ट एटलीस्ट इक्वल टू या ग्रेटर देन 1.41 यहाँ से और 4, तो ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, तो एटलीस्ट इससे अधिक होना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन अपना सही है।